हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ क्राइम थ्रिलर जॉनरा में रिलीज हुई साउथ इंडिया की टॉप 5 इंटरेस्टिंग मूवी, जिसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट काफी तगड़ी है और बहुत ही ज्यादा ब्रूटल सीन होने के साथ ही साथ काफी सारे अडल्ट सीन भी डाले गए हैं। तो अपने फैमिली वाले के साथ देखने की गलती कभी मत करना। तो चलिए देखते हैं कि ये सभी इंटरेस्टिंग मूवी कौन कौन सी है। नंबर 5 पर आती है क्राइम थ्रिलर मूवी मंगलवारम, जिसमें एक ऐसी रहस्यमय गांव की स्टोरी दिखाई गई है जहां पर हर मंगलवार को किसी न किसी की लाश पेड़ पर टंगी हुई मिलती है। वहीं दूसरे गांव में एक ऐसी लड़की की स्टोरी दिखाई गई है जिसे गांव का मर्द उसे अपने हवस का शिकार बना रहा होता है। तो आखिर गांव में हो रहे हर मंगलवार को इतनी बेरहम तरीके से हत्या और उस लड़की के बीच क्या कोई कनेक्शन है, और आखिर ये सारे मर्डर मंगलवार के दिन ही क्यों हो रहे हैं? इस पूरी मिस्ट्री को जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। नंबर 4 पे आती है हिडिंबा, जिसकी स्टोरी हैदराबाद शहर की है, जब शहर की 16 लड़कियां अचानक गायब हो जाती है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जितनी भी लड़कियों ने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी सिर्फ उन्हीं को उठाया गया है। जिस भी सीरियल किलर ने इन लड़कियों को उठाया, आखिर वो इनके साथ क्या कुछ करने वाला है और रेड कलर वाली लड़कियों से ही उसकी क्या दुश्मनी थी, और आखिर में क्या पुलिस उस सातिर का पता लगा पाती है या नहीं, इसके लिए आपको पूरी मूवी देखनी होगी। इसी के साथ नंबर 3 पर आती है कुट्रामे थंडा नाई, जिसकी स्टोरी एक ऐसे लड़के की है जो कि आंख से देख नहीं सकता और अपने आंखों के ऑपरेशन के लिए उसे ढेर सारे पैसे इकट्ठे करने होते हैं क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है। और इसी बीच में एक लड़की की हत्या हो जाती है, जिसके बाद वो इसी मर्डर मिस्ट्री से पैसे कमाने का एक नया तरीका खोज लेता है। कुछ टाइम बीतने के बाद उसे पता चलता है कि वो खुद ही इस मर्डर मिस्ट्री में फंसता चला जा रहा है। इसी के साथ नंबर 2 पर है 2015 में आई बेहद ही इंटरेस्टिंग मूवी रंगी तरंगा, जिसकी स्टोरी फोकस करती है गौतम और उसकी बीबी इंदु की। पर कुछ दिनों से उसे डरावने सपने आने लगते हैं अपने बच्चे को खोने की, और इसीलिए वो पूजा करवाने के लिए अपने गांव में आ जाते हैं और यहां आकर उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है जब इंदु कहीं गायब हो जाती है। तो आखिर गांव में आते ही इंदु के गायब हो जाने के पीछे की आखिर मिस्ट्री क्या है, तो इसके बाद मूवी में जो कुछ भी होता है ये तो आप मूवी देखकर ही जान सकते हैं। इसी के साथ नंबर 1 पर आती है इवारू, जिसकी स्टोरी ऐसे पुलिस ऑफिसर की है जो एक लड़की की रेप करने के बाद उसका कुछ दिनों के बाद मर्डर हो जाता है। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए दूसरे पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है, पर कुछ दिन बीतने के बाद उस पुलिस ऑफिसर को भी ये लगने लगता है कि वो खुद ही इस केस में फंसता चला जा रहा है। आखिर इस मर्डर के पीछे की मिस्ट्री क्या है और आखिर क्या लास्ट में ये मिस्ट्री का क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये सभी मूवीज आपको जरूर पसंद आए होंगे।